हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी 9356 के नाम से। तो अभी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी और थॉट क्या है। पहले मैं लूंगी मैसेजेस, आज मैं मैसेजेस ज्यादा लेने वाली हूँ, तो हम ले रहे हैं मैसेजेस। मेरे हैंड रिटन मैसेज है लव। पहला ही मैसेज बहुत अच्छा आया है, तो आगे देखते हैं क्या क्या आता है। मम्मी, ओ लगता है इस आपके रिश्ते में मम्मी आई है, या उनकी या आपकी प्रेयर्स। तो कहीं ना कहीं आप प्रेयर्स करते हो कि रिश्ता बन जाए। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपके पर्सन ने आपको बोला है आप बहुत सुंदर। रनर एंड चेजर, कहीं ना कहीं ये रिश्ते में ऐसा हो रहा है कि कभी ये इंसान आता है, अच्छी खासी बातें करता है और फिर कुछ दिन के लिए ब्लॉक करके आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। स्माइल एंड टीयर्स, इस रिश्ते ने आपको खुशियां भी बहुत दी हैं और रुलाया भी बहुत है। 12 12 एंजल नंबर है, कहीं आपको दिखता हो। अमेरिका हो सकता है, आपके पर्सन अमेरिका में रहते हैं। फ्री, जब भी आप कभी पूछते हो कि क्या आप फ्री हो, मैं आपसे बात कर लूं, इस पर्सन ने कहा नहीं मैं बिजी हूँ। ट्रू लव, आपको हमेशा लगता है कि आपको सच्चा प्यार सिर्फ इनसे हुआ और किसी से नहीं हुआ। तुम अभी मेरे बिना खुश हो, आपसे पूछ रहे हैं क्या आप खुश हो उनके बिना। अक्टूबर मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पापा, किसी के लिए तो किसी के रिश्ते में तो मम्मी पापा ने मना कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। इतनी सुंदर क्यों हो तुम, आपसे पूछ रहे हैं। प्रॉमिस, इन्होंने बहुत प्रॉमिसेस किए थे आपके साथ कि कभी दूर नहीं होंगे आपसे। मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला। ओके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर गए और ऑप्शनों की तलाश में। चिल्ड्रन, हो सकता है किसी किसी के रिश्ते में चिल्ड्रन इन्वॉल्व है। क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छा है? वाओ, अब आपने नया पर्सन ढूंढ लिया कुछ लोगों ने। अप्रैल, हो सकता है अप्रैल का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। बैक स्टबिंग, इस इंसान ने आपको बहुत धोखा दिया। लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है, और ये इंसान खुद ही थका हुआ है आपसे धोखा देने के बाद। स्टे, रुक जाओ, आपको जाना नहीं देना चाहती अपनी लाइफ से। हॉट एंड कोल्ड, मैं यही बोल रही थी, ये इंसान मतलब एक पल के लिए आप इनका नेचर ही नहीं समझ पाए, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत बुरे। मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, ये बातें आपको पता थी लेकिन आप इग्नोर करते चले गए। लेकिन जब एक अति होगी मूव ऑन और न्यू स्टार्ट, तो कुछ लोगों ने तो न्यू स्टार्ट कर लिया, लेट गो भी कर दिया आपने अपनी जिंदगी से हैप्पी, और अब आप लोग खुश रहने लग गए जब से आपने इनको लेट गो किया। जुलाई, किसी के लिए जुलाई महीना स्कूल लाइफ। हो सकता है आपके पर्सन आपकी स्कूल लाइफ के बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, टू गुड टू बी ट्रू, पर उनको पता है आप जैसे आपसे अच्छा कोई नहीं है। लव इज पेन, प्यार दर्द देता है। आई एम हैप्पी, और ये इंसान कभी कभी दिखावा करते हैं। स्कर्ट, हो सकता है किसी को स्कर्ट गिफ्ट में मिली हो। डेस्टनी, और आप कभी कभी सोचते हो कि डेस्टनी में हमें मिलाया ही क्यों था। रेड रोजेज, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको रेड रोजेज गिफ्ट में दिए हो। एक ब्लैंक आ गया, और ये ब्लैंक भी ना ऐसे ही नहीं आया। आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी भी इस ब्लैंक पेपर की तरह खाली है, कोई नहीं है मेरा अपना। मैं तुम्हारे गले लगकर रोना चाहता हूँ, ये पूरा निचोड़ था, और आप देखो ये मैसेज आया, और आप भी यही चाहते हो। कहीं ना कहीं आपके दिल में भी इतना दर्द भरा हुआ है कि आप चाहते हो कि मेरा पर्सन एक बार आए और कुछ ना बोले, बस मैं एक बार उसके गले लगकर रो लूं। इतना दर्द है आप लोगों के अंदर। ये देखो आपके सामने मैसेज थे और ये बॉक्स भरा हुआ है, 2000 से ज्यादा मैसेज हैं इसके अंदर, और अभी मैं लेने लगी हूँ। फिर मैं देखूंगी इसमें हमें रीडिंग मिली कि नहीं, सेम कार्ड थे या नहीं। अभी मैं ले रही हूँ एनर्जी से ग्रेटिट्यूड। कोई लोग प्रेग्नेंट हैं या किसी के घर में बेबी होने वाला है और आपके पर्सन को पता भी नहीं है, और फिर भी आप, और कुछ लोगों को ऐसा है कि कुछ लोगों के घर में बेबी नहीं हो रहा, तो ये भी एक यूनिवर्स का मैसेज है कि आने वाले टाइम में आपके घर में बेबी जरूर होगा। ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। बिटर स्वीट, इस इंसान के लिए आपने बहुत आंसू बहाए लेकिन इसने आपकी कभी वैल्यू नहीं की। पैशन, ये इंसान सिर्फ पैशनेट रहा आपके लिए, जो हमें मैसेजेस में भी पता चला। जॉय, इनको बस जॉय हैप्पी ऐसी लाइफ पसंद थी। ये
आपसे शादी करके इन रिश्तों में नहीं पड़ना चाहते थे। और कुछ लोगों ने तो शादी की, जब आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपके हस्बैंड आपसे दूर हो गए, इवन उन्होंने अपने बच्चे का फेस तक भी नहीं देखा। बैलेंस, लेकिन आपकी जिंदगी में बैलेंस होगा, हो सकता है कोई एक नया इंसान, रिन्यूअल। आपके पर्सन तो आपकी जिंदगी में आएंगे आएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई एक नया इंसान भी आएगा। कंफ्यूजन, ये इंसान कंफ्यूज है कि मैं क्या मुंह लेके सामने जाऊं। ट्रिकर, ट्रिकरी, और कहीं ना ये सारी बातें जो इस इंसान ने आपको के साथ की है ना, जब ये इंसान अकेला होता है ना, जब बिल्कुल अकेला होता है, तो ये चीजें इसको खाती हैं, अंदर ही अंदर इसकी आत्मा इसको कचोटती है। आप सोचते होगे नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, वो बहुत खुश है, बट नहीं, आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपनी अंतर आत्मा से आप झूठ नहीं बोल सकते हो। अभी हम ग्रेटिट्यूड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पे किंग ऑफ कप देख रहे हो, ये भी मेडिटेशन कर रहा है, और इसके देखो अंदर से रोशनी प्रकाश जैसे कैसे आ रहा है, ये देखो आपको किरणें दिख रही होंगी, और ऊपर एंजल का साइन भी बना हुआ है, ये देखो। कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी अंतरात्मा ना इसको झुसकोर रही है, और ये आपके पास आएगा, अब अपना प्यार इजहार करेगा। ये आज तक जो इंसान आपसे भाग रहा था, वो अब आपके सामने आके खड़ा होगा। थ्री ऑफ मैन, थर्ड पार्टी के पास ये इंसान गया, लेकिन आज की डेट में सिर्फ आपको याद करता है। पैशनेट होके ये गया दूसरी की तरफ, एस ऑफ कप। आप ही इसके दिल को हील कर सकते हो, ये बात इसे समझ आ गई। और एक बात चीज नोटिस करो कि यहाँ भी किरने हैं और इस पिक्चर में भी किरने हैं, रोशनी है। तो यूनिवर्स समझाता है, यूनिवर्स का अपना तरीका है समझाने का। जो आए नाइट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान अगर कहीं दूर देश में चला गया, पैसा कमाने दूसरे शहर में चला गया, आपसे दूर चला गया, ये इंसान आपकी जिंदगी में वापिस आएगा, डेफिनेटली आएगा। बैलेंस, फोर ऑफ वैंड, बैलेंस कैसे होगा, समाज में इज्जत देनी पड़ेगी, आपका हाथ पकड़ना पड़ेगा, और ये होगा। फोर ऑफ वैंड ने क्लैरिफाई, मैंने क्या कहा था, आपकी जिंदगी में ये नहीं तो एक नया इंसान आएगा और आपकी शादी होगी, और आप लोगों के सामने मैंने कार्ड उठाया, किसी कार्ड पे कोई निशान नहीं है। रिन्यूअल, द टावर, टावर आया तो इस रिश्ते को दोबारा बनाना है ना अब। ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, जो मुझे इतने क्लियर मैसेज मिलते हैं और मैं इतने क्लियर मैसेज आप लोगों को दे पाती हूँ। देखो इतने सारे कार्ड्स में से कोई कार्ड्स के ढेर नहीं लगा रही हूँ मैं, एक एक कार्ड उठा रही हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये देख लीजिए टावर का कार्ड आया, ये रिश्ता बनेगा दोबारा, चाहे कितनी बुरी तरह टूटा हो, लेकिन ये बनेगा। कंफ्यूजन, ये आपको फोन मैसेज करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है जरूर, और मैरिड अनमैरिड सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं है, सब देखो। ट्रिकरी, नाइट ऑफ कप, ट्रिगर हुआ ये इंसान, इसकी अंतरात्मा ने झकझोरा है इसको, ये देखो ये देखो। तब ये अब आएगा आपके पास, और अब आपकी लाइफ में एक नहीं, देखे एक किंग ऑफ कप, एक नाइट ऑफ कप, दो दो कप आए हुए हैं हमारे सामने, और एक इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है और एक इस इंसान आपसे छोटा हो सकता है। अब आप देख लो कि आपके एक्स की एज क्या थी, या आपके जो अभी हैं पर्सन उनकी एज क्या है, तो ये है। अब आपको सिलेक्ट करना है क्या ठीक है क्या गलत है, वो आपके ऊपर, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैसेजेस ले रही हूँ मैं, रोमांस फील, सॉरी रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड द वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपकी जो भी, आप जो भी मन में फील कर रहे हो ना, वो सब आपको, जो भी बातें भी है ना जो आपके पर्सन की, वो भी आपको याद आती हैं, और उनको भी वो बातें याद आती हैं जो मुझे ऊपर मैसेजेस में भी दिखा था। आपके लिए उनके दिल में जनरल फीलिंग है, ये मुझे दिखता है इस कार्ड में। सेपरेशन, टाइम अपार्ट और फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होरिजोन। और कहीं ना कहीं कुछ लोग बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, हो सकता है डिवोर्स हो चुका है, और आप ये ऐसे ही आज ये रीडिंग देखने आ गए थे। यकीन मानिए, अगर आप लोगों का डिवोर्स भी हो चुका है ना, तो जिस समय भी आपकी ये रीडिंग आपके सामने आती है ना, मेरी ये रीडिंग, उस समय, उस टाइम, उस घड़ी आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, देखा यही बोल रही थी मैं, कुछ लोग नहीं बता पाते। अभी उनको फील होता है कि जो मेरी अच्छी चीज थी, जो मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल चीज थी, वो मिस हो गई, और मैं नहीं बता पाया था कि मैं क्या चाहता। रियूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर,
अब उनको फील हो गया कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, तो मैसेजेस भी हमारे पास यही थे। देख लीजिए, लाइफ इतनी मुश्किल क्यों हो गई है, आपके सामने ही आया था लव इज पेन, और वैसे ही मैसेज। ये देख लीजिए, ये कार्ड ना अपने आप ही अभी प्लेट से सीधा हो गया, मैं प्लेट उठा रही थी, ये कार्ड अपने आप आ गया, लव इज पेन, लव इज पेन। बाय चांस ये कार्ड सीधा हो गया, मेरी कोई वो नहीं थी। यही है आपके इंसान की अभी हालत, आपके पर्सन की। आप मैसेजेस पढ़ सकते हो। अभी मुझे लेने हैं अल्फाबेट्स, देख लेना। आपके पर्सन का पूरा नाम भी बन सकता है, उनका मिडल वॉवल्स, उनका फर्स्ट लेटर, उनका लास्ट लेटर इसमें आ सकता है। तो अगर किसी का आता है तो इट्स गुड, वेरी गुड। और ये जनरल रीडिंग होती है, जरूरी नहीं आपसे मैच करे, जरूरी। और ये भी हो सकता है कि पूरी ही आपसे मैच करे, हो सकता है एक लाइन भी आपसे मैच ना करे। तो जिनके साथ मैच नहीं होती, जबरदस्ती अपने आप से मैच नहीं करना है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओके। चलिए, EFHYNADWRSPQKFLRCXHUMSJRWDACHAKOETOHYCNVWYHJEQGDVNKAN। ये वॉवल्स हैं, आप लोग देख लीजिए। मैं जूम कर रही हूँ, पॉज करके आप वीडियो को यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके। अगर आपके पर्सन का नाम बनता है बड़ी अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर किया करो। आप लोग ये काम करोगे ना, तभी मेरा मन भी करेगा डेली डेली वीडियो बनाने का। अगर आप लोग शेयर ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा सबको। तो प्लीज शेयर किया करो वीडियो को, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, ओके। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो उसके लिए दिल से थैंक यू, ओके। बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।